वेलकम टू स्टार्टअप स्पॉटलाइट। टाइस न्यूज के इस वीकली बुलेटिन में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की लेटेस्ट खबरें। सॉफ्ट बैंक का नया दांव, पेटीएम से बेचे 2% स्टेक। आईपीओ बाउंस स्विगी का बड़ा फैसला, नहीं बढ़ेगी प्लेटफॉर्म फीस। रिजर्व पे यूजर्स को बड़ी राहत, फेल ट्रांजेक्शन पर मिलेगा इंस्टेंट रिफंड। वेट और सिंगापुर के जोमैटो पर नजर, जल्द ही मिलेगा ग्लोबल बूस्ट। लेऑफ्स का सिलसिला अब तक जारी, कंपनीज ने किए भारी लेऑफ। जापानी टेक कॉन्ग्लोमरेट सॉफ्टबैंक ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन से 2% स्टेक बेच दिए हैं। दे हैव सोल्ड दिस शेयर फॉर 950 करोड़ रुपीस। आपको बता दें कि सॉफ्टबैंक की इन्वेस्टमेंट 197 कम्युनिकेशन में भारत में लिस्टेड सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। SoftBank started parting these shares over the last 1 year. According to the industry reports, SoftBank is aiming to bring down its shareholding in Paytm to around 5%. Experts का मानना है कि आने वाले time में SoftBank Paytm में से और भी share बेच सकता है। IPO bound Swiggy अपनी platform fees में कोई changes नहीं करने वाला है। पिछले कुछ दिनों से खबरें जा रही थी कि Swiggy IPO launch से पहले अपनी loss recovery को cover करने के लिए platform fees को दोगुना बढ़ा देगा। इसके चलते लोगों का मानना था कि स्विगी की प्लेटफॉर्म फीस 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाएगी, पर स्विगी ने ऐसा कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया है। रिसेंटली स्विगी स्पोक्सपर्सन हैज पब्लिकली डिनाइड मेकिंग एनी चेंजेस इन द प्लेटफॉर्म फीस। आपको बता दें कि मिड 2024 तक स्विगी अपना IPO भी लॉन्च करने जा रहा है। रेजर पे ने हाल ही में एक नया ऑटोमेटेड फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की हेल्प से रेजर पे की फेल्ड ट्रांजेक्शंस के लिए इंस्टेंट रिफंड दिया जाएगा। जी हाँ, अब फेल पेमेंट्स की वजह से यूजर्स को घंटों वेट नहीं करना पड़ेगा। यूजिंग रेजर पे POS डिवाइस फुली ऑटोमेटेड सिस्टम, द रिफंड प्रोसेस विल हार्डली टेक 2 मिनट्स कंपेयर्ड टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ 5 to 6 बिजनेस डेज। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ स्विफ्ट अटेम्प्ट विद इन 3 सेकंड्स। लिस्टेड फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमैटो में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ा। हाल ही में कुवैत और सिंगापुर के सॉवरेन स्टार्टअप्स ने जोमैटो में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। Kuwait Investment Authority has bought 88 million shares in the September quarter and later further bought 6.7 million shares in the December quarter. This is not it. Singapore Sovereign Fund TMAF also acquired 95 million shares in the startup in the December quarter. Par dusri taraf is mahine ki shuruaat mein Motilal Oswal Mutual Fund ne Zomato se apne 4.5 crore ke share bech bhi diye hain. वही टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक ने जोमैटो से कंप्लीट एग्जिट कर लिया है। 2024 से ही लेऑफ्स में कोई राहत देखने को नहीं मिली है। हाल ही में ईबे और क्योरफिट ने अपनी वर्कफोर्स में रिडक्शन किया है। ईबे ने अपने 1000 एम्प्लॉयज को लेऑफ किया है। वहीं टाटा डिजिटल बैंक क्योरफिट ने अपने 150 एम्प्लॉयज को लेऑफ किया। आपको बता दें कि 2024 में अब तक गूगल, राइट गेम्स, ट्विच, अमेज़न, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अब तक लगभग 10,000 एम्प्लॉयज को लेऑफ कर चुके हैं। फिसॉस की पेरेंट कंपनी रेबल फूड ने हाल ही में ONDC ज्वाइन किया है। प्रेजेंटली रेबल फूड के देश में लगभग 80 अलग अलग शहरों में 450 किचन चलते हैं। इस मूव के साथ रेबल अपनी डायरेक्ट टू कस्टमर ऑफरिंग को बढ़ाने के लिए एम कर रहा है। द डेवलपमेंट कम्स एज ONDC हैज बीन पार्टनरिंग विद मल्टीपल कंपनीज टू एनहांस दिस सर्विस इट ऑफर्स टू नेटवर्क पार्टनर्स। आपको बता दें कि रेबल फूड एक बड़ा फूड चेन है जिसके अंतर्गत फिसॉस, बहरोज बिरयानी, स्ले कॉफी, ओवन स्टोरी पिज्जा जैसे कई फूड आउटलेट्स आते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की लेटेस्ट स्टार्टअप न्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइस टीवी। आई वुड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर ग्रेट नेटवर्क। फॉर मोर एंगेजिंग कॉन्टेंट फॉलो अस ऑन गूगल न्यूज, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन फाइंड ऑल दीज लिंक्स इन आवर डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टे इन टच एंड स्टे ट्यून्ड हियर।